Bram, what are we having? Having a nice cup of coffee in the swell camp. And some good ginger lemon tea. आज हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं एंड द गुड पार्ट इज़ इसमें मेरे साथ हैं मेरे HMI के कोर्समेट्स के मुखी एंड जग्गा बराड़, जिसको अभी मैं पिक करने जा रहा हूँ एयरपोर्ट. अभी अभी आया है, फ्रेश ऑफ द बोट. फ्रेश ऑफ द बोट इन ले. और सांस तो नहीं चढ़ रहा है वैसे? सांस नहीं चढ़ रहा है, एवरीथिंग नॉर्मल है. रिप्स थोड़ी मेरी डैमेज है. रिप्स डैमेज रहे क्या? वो सामने दिख रहा है स्नो क्लैड, दैट्स कांगयात से है ना नेत्रा जी? वो वाला स्नो क्लैड कुछ तो बता रहा है. सुनना चाहिए. सो ये है चोक दो, जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर है. यहाँ पे हम ड्रॉप ऑफ हो गए हैं एक कैब के जरिए और अब हम यहाँ पे अपना सारा सामान पैक करके पानी भर के स्टार्ट द क्लाइम. और 6 घंटे की क्लाइम है, 7 घंटे की, तो हम शाम को सनसेट के टाइम ही पहुँचेंगे. क्या कहना चाहोगे के? यू बेट योर शूज. जूते मैंने गले में टांगे हैं. What was that guy? क्या बोल रहा था बंदा? तो fall हुआ and सिर open हो गया. and help पास से जा रहे हैं, पर मैंने लग रहा था support है. Water socks ना हो तो बंदा अपने जूतों को बचाता है गीले होने से, और उस चक्कर में वो छलांगे मारता है. और उस चक्कर में मैंने सुना है अभी एक क्लाइंबर ऊपर यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर ऊपर स्लिप हो गया एंड he's got a big gash on his head. And he's disoriented. Disorientation का मतलब severe head injury. Time लगता है, बार बार जूते निकालो डालो, लेकिन at least firm footing है. हर 5 मिनट में एक साला रिवर क्रॉसिंग है. पिछले 5 घंटे से चल रहे हैं. कांग मारुला पास आने वाला है, जो कि जिसके लिए काफी स्टीप ग्रेडियंट है जो हम चढ़ रहे हैं. अभी आया मजा ठीक है. कुछ ज्यादा ही टायरिंग ट्रिक. घोड़ा भी कर सकते हैं. 6 घंटे चलने के बाद हम फाइनली कांग मारुला पास के पास पहुंच गए हैं. 1.5 घंटे में सनसेट हो रहा है. वाह, इट्स गॉट अ सेंसर. पास पहुंच गए. रात के 8:30 हो गए हैं और अब जाके पास आया है. और अभी कुछ क्लाइंबर नीचे आ रहे हैं. के है पीछे, जग्गा है. सो अब पूरा डाउनहिल है. कल रात को अभी ना बीच में सोए. नहीं सुन रहे हैं बीच में फिसक के तुम लोग दोनों सांड लोग के बीच में. मैं मिडिल में क्यों हूं? मुझे साइड में करो ना. यार एक एग्रीमेंट करते हैं ना, तू और मैं अंदर सोएंगे, जगह बाहर घोड़े के पास.
घोड़े के पास सीधा सोए कर रहे हैं। मैंने कल सैक्रिफाइस किया आप लोगों के लिए, आई वाज टोटली इन द कॉर्नर नज्ड और फिर मेरे को लेफ्ट और राइट पे सोना पड़ा, आई कुडंट स्लीप फ्लैट। सो आज योर कंजेशन थिंगी हैज गॉटन वर्स मेरे, या का समिट दिखने वाला है और ये दिख गया, इट्स क्लियरली विजिबल नाउ। सो कांग्यात से मैसिव पूरा क्लियर दिख रहा है, लेफ्ट पे वन है राइट पे टू है और ध्यान से देखेंगे तो रास्ता भी क्लियर जाता हुआ दिख रहा है ऊपर को, इतने लोग जाते हैं कि रास्ता बना हुआ है और परसों हम इसी रास्ते से ऊपर रिज पे जाएंगे फिर शोल्डर और देन समिट। सो कांग्यात्से का बेस कैंप अब क्लियरली विजिबल है, या काफी ट्रैफिक है तेरी। चलो जी बेस कैंप पहुंच गए हम, एक घंटा और 40 मिनट में और वो ऊपर जाना है कल रात को जग्गा और के आई एम गोइंग, ठीक है आप आ जाओ चेंज करके। अभी हम हैं 5000 मीटर की ऊंचाई पर, पहली बार होगा कि इतनी ऊंचाई पे किसी ने कोलमैन का टेंट लगाया है मतलब खुद, तो दिस इज़ गुड फॉर 3 पीपल, 3 लोग सो सकते हैं आराम से और कल हम वहाँ पर समिट पे जाएंगे। दिस इज़ कांग्यात से टू द समिट। सो ये मेरा कोलमैन सिल्वरटन कंफर्ट है, इसकी रेंज -22 से लेके -5 तक है विच इज़ कम्फर्ट। आज तापमान जो है वो अराउंड 2 या 3 डिग्री -2 तक जा सकता है, वैसे 0 चल रहा है पिछले कुछ दिन से बट क्योंकि आज क्लियर स्काई है बादल बिल्कुल नहीं है तो इट कैन गो टू -1 -2 और उसके हिसाब से दिस वन इज ये स्लीपिंग बैग काफ़ी सही है। और ये अभिनव साहब कॉफी बनाते हुए, पीछे आपको कांग्यात से 2 के नज़ारे दिख रहे हैं। आज रात को हम निकलेंगे इस समिट पुश के लिए, उसके पहले ऐश कर ले फिर सॉलिड रख। रात को बैंड बजेगी ठंड में, आज माइनस में गया -3 में। 5100 मीटर की ऊंचाई पर कॉफी सिर्फ मैं ही पिला सकता हूँ और कोई नहीं पिला सकता, फ्रेश ब्रू। ऑर्डर वाली कॉफी कौन पीता है यार, ये होती है ना असली कॉफी। करी फॉर द मैक्रोनी, यस आखिरी बार ऐसा खाना 7-स्टार होटल में खाया था और अब यहाँ खा रहा हूँ थैंक्स टू नेत्र जी, इज अ रॉक स्टार, इज अ ट्रेंड बाय द स्ट्रीम। सो सेटिंग अप द इक्विपमेंट ऊपर जाने के लिए, बूट्स क्रैम्पॉन्स फिट हो गए, अभी आई एम सेटिंग अप दिस हार्नेस की एडल रेड की है और सेम आइसएक्स इसका मैं स्ट्रैप बना रहा हूँ मेकशिफ्ट अपने ट्रिप के लिए। रेडी हो जाओ, हम सो गए यार, 7 बज गए, 11 बजे चलना। How about you KK? 4 hours of sleep hopefully.
बिफोर द समिट पुश. थोड़ी सी फटी हुई है, नॉट मच बट मैनेजेबल फटी हुई है. दोस्तों ऐसा है कि शाम के 7:14 हो गए हैं. सोने के लिए सिर्फ 4 घंटे हैं, एक्चुअली 4 से भी कम. तो अच्छी नींद आए तो बढ़िया है, समिट पुश अच्छा होगा.